एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग स्टडी. आई एम किंजल सोनछत्रा, योर साइंस गाइड. दिस इज द 7th चैप्टर एंड द नेम इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स. नाउ टिल 6th चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7. सो वॉर्म अप क्वेश्चन इज टिक राइट द एनिमल्स विच हैव लंग्स टू ब्रीथ. ओके, सो आपको ये टिक करना है जिस एनिमल के पास लंग्स है ब्रीदिंग के लिए. सो फिश के पास तो नहीं है, इंसेक्ट्स के पास भी नहीं है. रेट हैज लंग टू ब्रीथ, काउज हैव ऑल्सो लंग्स टू ब्रीथ, एंड यस नॉट अ बटरफ्लाई, राइट? सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पेरा. द प्लेस जहाँ पे वेर एन एनिमल्स लिव, जहाँ पे एनिमल रहते हैं, इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जिस प्लेस पर एनिमल्स रहते हैं, खाते हैं, ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट. क्या कहते हैं उसे? हैबिटेट. Animals must have special skills to help them to survive. Animals के पास special skills होनी ही चाहिए उसे help करे किस में? Survive करने के लिए. This is why some animals have excellent eyesight, others can fly, and still others can burrow themselves underground. मतलब कि इसीलिए एनिमल्स के पास एक्सीलेंट आईसाइट होती है. कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके पास एक्सीलेंट बहुत ही अच्छी आईसाइट होती है. कोई एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड्स है ऐसे जो बहुत अच्छी तरह से उड़ सकता है. स्टिल अदर्स कैन ब्रो देमसेल्व्स अंडरग्राउंड, और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड भी रह सकते हैं. The special features which animals develop in order to survive in their habitat are called adaptations. The special features, तो अभी adaptation का मतलब क्या? तो ये special features होते हैं ना, which animals develop, वो animals develop करते हैं in order to survive, अपने आप को बचाने के लिए. In their habitat, मतलब कि अपने आसपास अपनी body में जो भी करते हैं उसे कहते हैं adaptations. क्या कहते हैं उसे? एडेप्टेशंस. डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, डिफरेंट एनिमल्स हमें मिलते हैं लैंड के ऊपर, इन वाटर एंड इन एयर. एयर में होते हैं, वाटर में एंड लैंड में. द सराउंडिंग्स इन विच, सराउंडिंग मतलब आसपास का एरिया. द सराउंडिंग इन विच, सराउंडिंग जिसमें एन एनिमल्स लिव्स, जहाँ पे एनिमल रहते हैं एंड ग्रो, इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट, और उसे कहते हैं उसका एनवायरनमेंट. ऑल ऑफ देयर एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, मूविंग, फीलिंग, फीडिंग एक्सेट्रा सूट टू देयर एनवायरनमेंट. ये सभी एक्टिविटीज जैसे कि ब्रीदिंग, मूविंग, फीलिंग, फीडिंग, ये सभी चीज़ें होती है वो अपने एनवायरनमेंट के सूटेबल होती है. अदरवाइज दे विल डाई, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो तो मर जाएंगे, राइट? देयरफॉर इसीलिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज और स्टाइल्स ऑफ डूइंग द सेम एक्टिविटी. इसीलिए अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, उसका अलग अलग तरीका होता है, अपना एक स्टाइल होता है सेम एक्टिविटी को करने के लिए, राइट? एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, एनिमल को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स आर एनिमल दैट हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स. वर्टेब्रेट्स क्या होता है कि जो एनिमल है उसके स्केलेटन होते हैं, बोन्स होते हैं, जैसे कि ममाल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, amphibians. And invertebrates do not have skeleton made up of bones. Example, worms. Worms को कोई भी bone नहीं होता है, right? Fungi भी आप कह सकते हो, one type of.
द मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स आर इनवर्टेब्रेट्स. मेजोरिटी कौन सा होता है? इनवर्टेब्रेट्स होता है जिसमें बोन्स नहीं होते हैं. वर्टेब्रेट्स मेक अप लेस देन 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल. मतलब कि 3% से भी कम एनिमल्स ऐसे हैं जो वर्टेब्रेट्स है. नाउ ब्रीदिंग एंड इन एनिमल्स. ब्रीदिंग कैसे होता है एनिमल्स में, इसके बारे में पढ़ेंगे. सो एनिमल्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीजन. एनिमल्स को ज़रूरत होती है ब्रीदिंग की, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए. राइट, हम भी ब्रीदिंग में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना. ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन देयर बॉडीज एंड रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. ऑक्सीजन क्या करता है? बर्न्स करता है फूड. फूड को कट अंदर की बॉडी में करता है और वो फूड पूरा का पूरा बर्न हो जाता है. तो बर्न होने के बाद वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि हमें फूड से ही एनर्जी मिलती है ना. तो फूड तो ऐसे ही नहीं आप यूज़ कर सकोगे ना, तो उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या करता है? फूड को बर्न कर देता है, इसीलिए एनर्जी हमें मिलती है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए. सुबह उठते ही आप क्या करते हो? सबसे पहले ब्रश करते हो, नहाने जाते हो, खाना खाते हो ना सुबह सुबह नाश्ता. यस, फिर स्कूल आते हो. वैसे तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए एनर्जी. राइट, एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स गेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमें मिलता है कहाँ से? सराउंडिंग से. सराउंडिंग मतलब कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट. लैंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. लैंड एनिमल्स मतलब कि जो भी जमीन पर रहते हैं वो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं एयर से. वाइल फिश एंड अदर एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. और फिश के जैसे अदर एनिमल्स है वो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में से. अभी वाटर का फॉर्मूला है H2O. कौन सा फॉर्मूला है? H2O. H मतलब हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं एंड ऑक्सीजन का वन. तो ये ऑक्सीजन का होता है ना एक पार्ट, वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, नाउ ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. कौन से ऑर्गन्स यूज़ होता है ब्रीदिंग के लिए? तो हम तो कौन सा यूज़ करते हैं? नोज. नोज से हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग. राइट, बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड ममाल्स ब्रीद थ्रू लंग्स. बर्ड्स है, रेप्टाइल्स, ममाल्स ब्रीद करते हैं अपनी लंग्स के थ्रू. राइट, मैन इज अ ममाल. हम सब क्या है? ममाल है. राइट, अवर नोज टैक्स इन एयर थ्रू द विंड पाइप इन टू द लंग्स. क्या करते हैं हमारे नोज? नोज से हम जैसे ही एयर लेते हैं वो विंड पाइप से अंदर की तरफ लंग्स में जाते हैं. क्या जाता है? ऑक्सीजन. राइट, द लंग्स आर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स. अभी लंग्स में क्या होता है? सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. व्हेन द एयर रीचेस द लंग्स, जैसे ही लंग्स में एयर पहुंचती है. एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तभी क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड द ब्लड. ब्लड में ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन है एयर में से हमें मिलता है. पासिस इनटू द ब्लड. ऑक्सीजन एयर के थ्रू पास होता है हमारे ब्लड में. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू द एयर. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में से बाहर निकलता है थ्रू लंग्स. और लंग्स में से बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोस्ट्रिल्स. राइट, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज. और क्या होता है? वो तो कॉन्टैक्ट में होता है ना लंग्स. देखो ये पर्सन यहाँ पे है. क्या होता है? हम यहाँ से लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ये नोस्ट्रिल से, ब्लड वेसल्स कहते हैं उसे.
तो ये विंड पाइप थ्रू इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो वो हमारे लंग्स में क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। और क्या करती है, यहाँ पे जो अलग अलग तरह की और ब्लड ब्लड सेल्स होती है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लंग्स में आता है, और लंग में से ये विंड पाइप में से ये नोस्ट्रिल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है, राइट। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ममाल। वेल्स और डॉल्फिन्स है वो भी क्या है, ममाल्स है। देयरफॉर दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स इवन दो दे लिव इन वाटर। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि जो पानी में रहते हैं ना उसको लंग्स नहीं होते हैं, पर वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऐसे ममाल है जिस जो ब्रीदिंग करते हैं लंग्स के थ्रू। यहाँ पे देखो फिश है वो ब्रीदिंग करती है थ्रू गिल्स, तो उसकी गिल्स ये है छोटे छोटे डॉट्स, राइट। ये है अमीबा एंड अर्थवॉर्म बॉडी सरफेस फॉर ब्रीदिंग। वो अपनी बॉडी को यूज़ करता है ब्रीदिंग के लिए। देन वेल में तो क्या होता है, लंग। ग्रास होपर तो आपने देखा ही होगा, राइट। स्पिरिकल्स एंड एयर ट्यूब्स फॉर ब्रीदिंग। ये क्या यूज़ करता है, स्पिरिकल्स एंड एयर ट्यूब्स यूज़ करता है ग्रास होपर ब्रीदिंग के लिए। एंड जो बर्ड है उसमें भी लंग होते हैं, राइट। सो गो टू नेक्स्ट, माइक्रोब्स एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आप बोल सकते हो, मतलब कि आप ऐसे सीधा नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। वैसे एनिमल्स है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो अमीबा एंड पैरामीशियम ऐसे दो एनिमल्स है वो ब्रीदिंग करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। इंसेक्ट्स है वो किससे करते हैं ब्रीदिंग, एयर होल्स से। किससे, एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। दिज आर कॉल्ड स्पीरेकल्स। उसे क्या कहते हैं, स्पीरेकल्स, पता चला। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स है ब्लड के, वो डज नॉट कंटेन, उसमें ऑक्सीजन कैरियर नहीं होता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। दिस इज वाई देयर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। इसीलिए इंसेक्ट के ब्लड है इसमें कैरी नहीं होता है हीमोग्लोबिन, इसीलिए उसका ब्लड है वो रेड नहीं होता। और हमारे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है। हाउ इज ऑक्सीजन देन कैरीड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी। कैसे पहुँचते हैं भाई, ऑक्सीजन तो मिल गया, चलो अंदर लंग्स तक तो पहुँच गया, तो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुँचता है, इंसेक्ट्स में कैसे पहुँचता है। द स्पीरेकल लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीच इज एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो स्पीरेकल है यहाँ पे, वो लीड रोल करता है एयर ट्यूब्स के साथ, नेटवर्क एक अच्छा बनाता है और बॉडी में एवरी पार्ट में पहुँचता है ये एयर ट्यूब्स। वो स्पीरेकल है, वो लीडिंग रोल करता है और एयर ट्यूब से वो मैच होता है, वन टाइप ऑफ एक नेटवर्क बनाता है, और उससे क्या होता है कि बॉडी में हर जगह पे वो पहुंचता है ये नेटवर्क। एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नेटवर्क। ये एयर है वो नेटवर्क थ्रू है वो बॉडी में पहुंचता है। द बॉडी टिश्यू टेक ऑक्सीजन, और बॉडी टिश्यूज क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, स्पीरेकल है वो यस मेन रोल करता है और एयर ट्यूब्स के साथ वो मैच होकर एक अच्छा सा नेटवर्क बनाता है, और वो क्या होता है, नेटवर्क है वो बॉडी में हर जगह पहुंच जाता है, और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन है वो नेटवर्क के थ्रू
अंदर की तरफ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, राइट? अ फिश ब्रीदेस थ्रू इट्स गिल्स. अभी फिश है, हमने ऊपर देखा ना, वो अपनी गिल्स से ब्रीदिंग करती है. सो डू प्रोवाइड क्रैब्स, ओस्टर्स एंड टेडपोल्स. गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन. गिल्स है वो क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है दैट आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. वो गिल्स है वो वन टाइप ऑफ ऑर्गन है, वो स्पेशल ऑर्गन है. वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के साथ वो मिक्स मैच होकर क्या होता है, वो ऑक्सीजन को एवरी ऑर्गन के ऑर्गन पे पहुंचता है. बॉडी का हर एक पार्ट से वो मिक्स मैच होता है और उससे ब्लड से क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है. व्हेन वाटर फ्लोज, जैसे ही वाटर फ्लोज होता है थ्रू द गिल्स, गिल्स से एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. वहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि उसमें क्या होता है, द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. तो गिल्स क्या करती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. फ्रॉग है वो क्या है, वन टाइप ऑफ एम्फीबियन है. अ बेबी फ्रॉग और अ टैडपोल ब्रीदिस थ्रू इट्स गिल्स. अभी बेबी फ्रॉग मतलब छोटा वाला जो फ्रॉग है वो, और आप कह सकते हो टेडपॉल, वो ब्रीथ करते हैं अपनी गिल्स के थ्रू. एन एडल्ट फ्रॉग मतलब कि बड़े वाले जो फ्रॉग होते हैं ब्रीथिस थ्रू इट्स लंग्स. मतलब कि जो बड़े वाले फ्रॉग है वो अपनी लंग्स का यूज़ करके ब्रीथ करते हैं ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर. अगर वो अंडर वाटर है तो क्या करेंगे वो, यस, वो मॉइस्ट स्किन से वो ब्रीदिंग करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं और विजडम कॉर्नर एक देख ले. एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑफ लैंड एज वेल एज वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. अभी एम्फीबियंस किसे कहते हैं, जो एनिमल्स है वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस. ठीक है, तो ये 7 चैप्टर है, वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, चलो, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.